अबे चौप के बच्चे रुक जा मेरा टीवी का रिमोट दे दे अरे कहाँ जा रहा है ये अरे चौप रुक जा रिमोट लेके भाग रहा है सुबह सुबह यार भागा रहा है अरे इसको तो सुबह सुबह हो क्या गया ये मेरा टीवी का रिमोट लेके भाग क्यों रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा मुझे यार सुबह सुबह टीवी देखनी होती है और इसको पक्का बिल्कुल ढंग से पता है इसलिए मेरा

काइजर ये क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में ये तो बहुत ही खतरनाक चैलेंज है तो यार टीवी पर न्यूज आ रही थी हम जीत सकते बहुत हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेंशन जिसमें बहुत ही खतरनाक खतरनाक सुपर कार्स हेलीकॉप्टर और वो मेंशन सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है बस हमें तीन चैलेंजेस को कम्प्लीट करना पड़ेगा का। काइजर मैं इस वाले घर में बहुत ही ज्यादा टाइम से रह रहा हूँ और मैं इस घर से पक गया हूँ यार पता नहीं कितने सालों से मैं एक ही बाइक एक ही कार चला रहा हूँ और एक ही घर में रह रहा हूँ पर मुझे लगता है

चैलेंज में पार्टिसिपेट करने तुम सबका कर स्वागत है आज के इस खतरनाक तीन तीन चैलेंजेस में ये होने वाले सारे के सारे कंटेस्टेंट हर चैलेंज में से एक जना बाहर निकलेगा और लास्ट वाले चैलेंज में तीन फाइनलिस्ट बचेंगे और उन तीनों में से जो भी जीतेगा उसको मिलेगा वो खतरनाक सा तो क्या तुम सब तैयार हो हल्क बिल्कुल तैयार है मैं भी तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ और भी तैयार है मैं भी तैयार हूँ तो सबसे पहले ये खतरनाक से ऑब्स्टिकल कोर्स इसमें तुमको सारे के सारे ऑब्स्टिकल क्रॉस करते करते जाना है और फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना है याद रखना है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है और जो भी इसमें जीतेगा वो जाएगा अगले चैलेंज पर और जो भी नहीं जीतेगा वो होगा डिस्कालीफाई सबसे पहले जाएगा हल्क को एक चैलेंज कैसे में करके जीतना है हल्क फिनाले में जाके दिखाएगा <laughs> यह देखो तो सर, अभी ये ये चैलेंज शुरू हो चुका है ये आज का सबसे पहला चैलेंज जो की करने वाला है हल्क तो कैसे हर चैलेंज में एक बंदा डिस्कॉलीफाई होने वाला है और मुझे बस करना है की मैं डिस्कालीफाई नहीं हूँ और फाइनल में जाके जीत जाऊँ और अभी अभी आप देख सकते हो हल्क की गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो चुकी है ये मेरे साथ क्या हो गया और ये हल्क होता है डिस्कालीफाई इनको रेस ऐसी बाहर निकालो मुझे बचाओ। ये हल्के बच्चे को तो गाड़ी चलाना नहीं आती अभी कैसे अपनी गाड़ी से हल्क तो डिस्कालीफाई हो गया था देखते हैं क्या आयरन मैन डिस्कालीफाई होगा या फिर ये जीत के दिखाएगा वो तो अभी थोड़ी देर में पता ही जाएगा अभी आयरन मैन फुल स्पीड में जाता जा रहा है और इसने भी वो टैंकर फोड़ा पर इसकी गाड़ी बच चुकी है तो कैसे वो टैंक तो गया था पर इसकी गाड़ी फिर भी बच चुकी है और ये यहाँ पर आ चुका है इसकी गाड़ी उल्टी हो चुकी है तुम मत लो ये चैलेंज मैं ही जीत के रहूंगा तो कैसे अभी आयरन मैन जाता जा रहे देख देख क्या ये एंड तक पहुँच पाएगा इसकी गाड़ी में से पीछे पेट्रोल निकलना चालू हो चुका है कोई बात नहीं पेट्रोल निकल ले दो मैं फिर भी जीतूंगा ये क्या हो गया और कहीं सर ये क्या हमारे आयरन मैन की गाड़ी भी यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है और आयरन मैन भी हो चुके हैं डिस्कालीफाई अरे कहें सर मुझे लगता है ये चैलेंज सही में बहुत ही हार्ड है तुम जैसे कमजोरों के लिए ये चैलेंज हार्ड होगा मेरी जैसी महारानी के लिए नहीं अभी देखो मैं कैसे चैलेंज जीत के दिखाती हूँ अरे ये तो लड़की है हमारे आयरन मैन और हल्क से ही नहीं हुआ इससे क्या होगा ये तो बहुत ही कमजोर है तो के बच्चे अब मैं तुझे तो जीत के दिखाऊंगी देख लेना ये लड़की तेरी कैसे चोटी खींचती है तो और की चोटी कोई नहीं खींच सकता एक बार मैं चीज फिर देखने जरूर की तो अभी की बारी यहाँ पर आ चुकी है है। और अभी इसने एक भी जगह अपनी गाड़ी भेड़ी नहीं है। हाल की तो गाड़ी नहीं की की हालत खराब थी पर की हालत कुछ भी नहीं खराब हुई है और इसकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है और अब ये फुल स्पीड में चल जा, जा रही है आयरन मैन यहाँ पर आके ब्लास्ट हो गया था देखते हैं क्या वोंडा इसको क्रॉस कर पाएगी मैं तो आराम से

छोटी मास्टर ने मुझे बोला ना इसलिए मुझे बहुत आ गया अब मैं ये रहूंगी। ये कंप्लीट करके अरे चैलेंज तो बहुत इजी है इसलिए तुमने कंप्लीट कर लिया अगर कोई हार्ड चैलेंज होता तो हार जाती अबे मास्टर तो देखना। मैं सारे सारे जीतूंगी। और वो घर भी जीत के जाऊंगी अरे वो बोंडा ज्यादा मत कर भाई घर जीत जाएगी तो गाइस अभी गाड़ी भगाते हुए जा रही है सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और ये इसकी गाड़ी घूमते घूमते सीधा चली गई फिनिशिंग लाइन पर

पे फटाफट से अपनी गाड़ी को अंदर डाल लेते हैं और नीचे चलते हैं सीधा तो भाई सर आपको क्या लगता है फाइनल में कौन कौन पहुंच पाएगा फटाफट से कमेंट करके बता दो हम बचे आपको क्या लगता है उनमें से कौन कौन पहुंच पाएगा स्पाइडरमैन या फिर थॉर फटाफट से कमेंट करके बता देना और अभी हम यहाँ पर आ चुके फुल स्पीड अपनी गाड़ी को भगा दे और इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करते हैं बचाओ मेरी गाड़ी हवा में उड़ा दी पर अभी मैं यहाँ पर बच चुका हूँ अपनी गाड़ी को बिल्कुल ढंग से चला के इसको क्रॉस कराएंगे यहाँ पे चलो और हमने क्रॉस कर लिया तो गायर अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और इसके बाद तो सारा का सारा रास्ता इजी है तो हम आराम से कर लेंगे तो जब तक मैं ये चैलेंज कंप्लीट करता तो, हूँ अगर आपने अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट से लाइक कर दो तो, चैनल को भी सब्सक्राइब आप देख सकते हो तो कितनी हम कार चलाते चलाते जा रहे हैं और हम जाने वाले सीधा फिनिशिंग लाइन पह रहे हैं पंखे ने मार दिया बच बच गया गया मुझे लगा इस पंखे से मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी पर हम यहाँ पर बच चुके हैं और ये आखिरी पंखे को क्रॉस करके हम भी आ चुके हैं फिनिशिंग लाइन पर और क्या Oh, भी जीत गए अब थॉर की बारी है थॉर ये चैलेंज करके दिखाएगा तुम सब, के सब हो। तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती मैं गाड़ी चलाता नहीं मैं गाड़ी उड़ाता हूँ हा हा हा। हू। तो गाड़ी उड़ा रहा है इसकी बिजली वाली शक्तियों से ये गाड़ी उड़ने लग चुकी है और सारे के सारे ऑब्स्टिकल को पीछे छोड़ते हुए उड़ते उड़ते जा रहा है और ये तो सीधा फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रहा है वोंडा मेरी बेटी आ रहा हूँ मैं छोटी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आ गया और कहीं ये हमारा थोड़ा तो सीधा यहाँ पे आ चुका फिनिशिंग लाइन पर। मुझे छोटी मास्टर बोला जरा अब बोल के दिखा मैं यहाँ पर आ गया तो मेरी

मुझे समझ नहीं आ रहा ये स्टंट कर रहा है या फिर इसे गाड़ी नहीं रही आपको क्या लगता है फटाफट से कमेंट करके बता दो और स्पाइडरमैन ने अपनी गाड़ी यहाँ पे खुदा सब, सब साइड हो जाओ मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा रहा मैं और कैसे लगता है ये स्पाइडरमैन भी सीधा फिनिशिंग लाइन पर ही आने वाला है और इसकी ट्रक तो यहाँ पर ही आ रही है और ये क्या ये भी आ गया यहाँ पर ये, मैं भी मैं भी भी जीत जीत गया, गया। और गाइस स्पाइडरमैन भी हमारा पहुंच चुका है फिनिशिंग लाइन पर मतलब हम चारों ने इस रैम चैलेंज को क्वालिफाई कर लिया है और हल्क और हल्क आयरन मैन इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं अब उन दोनों में से कोई भी मेंशन नहीं जीत सकता मैं ही तो जीतूंगा टेंशन मत लो चुप सकता बाकी के चारों कंटेस्टेंट तुम्हारा स्वागत है अपने अगले चैलेंज में इसमें होने वाली है ये खतरनाक सी रेस तुम चारों में से इस रेस में जो भी जीतेगा वो जाएगा अगले तुम चारों में से कोई तीन जने अगले चैलेंज में जा सकते हैं तो किसी एक जने को इस चैलेंज से अलविदा कहना होगा कार्स तुम्हारी रेडी है जो भी लास्ट आएगा वो होने वाला चलो रेस को शुरू करते हैं तो अभी अगले चैलेंज में आ चुके और यहाँ पे होने वाली है कार्स की रेस और जो भी लास्ट आएगा वो होने वाला है डिस्कालीफाई तो देखते हैं थोर वोडा स्पाइडरमैन या फिर मैं कौन आता है और याद रखना कोई भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता शुरू कर दे अभी आप देख सकते हो तो ये रेस स्टार्ट यहाँ पर होने वाली है सारे के सारे जने अभी कार में बैठ गए और भगा फुल स्पीड में चलो फटाफट से चलते अरे जाना पर है अरे उस तरफ जाना था गलती से दर मुड़ गया जल्दी सेगाते हैं स्पाइडरमैन बोंडा और थौर को हमें कैसे भी कराना पड़ेगा ये सबसे आगे स्पाइडरमैन चल रही ब्राउन वाली गाड़ी में स्पाइडरमैन है मुझे याद रखना पड़ेगा और बाकी लोग किस पे वो भी देख लगे पर फुल स्पीड में भगाते हैं

चलते रहेंगे धीरे 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 गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है और है। अभी हमारा पहला कंप्लीट होने वाला है बस यहां पर हमें जाना है और ये हमारा पहला कंप्लीट होता है यहाँ पर तो पहला तोब कंप्लीट करने के बाद अभी हम वापिस से फुल स्पीड में निकल चुके अपने लास्ट लैब को कम्प्लीट करने के लिए इस आखिरी लैब में जो जहाँ पर होगा वो उधर से जीत जाएगा क्योंकि अभी मैं तो फर्स्ट पे चल रहा हूँ और मुझे बस यार फर्स्ट पे मेंटेन करके रखना है उसके बाद हम आराम से जीत जाएंगे

मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें बिजली का करंट दूंगा रुक जाओ अरे भूल गए क्या बिजली बिजली कुछ अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते इसलिए मैं सबसे आगे चल रहा हूँ और कहे सर बस ये रेस यहाँ पर फिनिश होने वाली है हमारा एंडिंग पॉइंट आ चुका है चलो फटाफट फड़ से फुल स्पीड में चलते हैं और सामने ये लैब खत्म होने वाला है ये रेस खत्म होने वाली है और ये मैं जीत गया तो कहे सबसे पहले मैंने ये कम्प्लीट किया और बाकी के सारे लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं जैसे कि वॉन्डा आ चुकी है और ये थॉर भी आ चुका है स्पाइडरमैन पीछे रह गया मतलब स्पाइडरमैन होता है और और अगले में जाने थॉर फ्रैंकलिन तुम तीनों का स्वागत है आखिरी चैलेंज में पीछे देख सकते हो तुम्हारे पास है तीन तीन प्लेन हर एक प्लेन में एक एक जना जाएगा और हम तुमको लेके जाएंगे हवा में फिर वहां से फेंक देंगे जो भी पैराशूट से बिल्कुल सही लैंडिंग करके नीचे स्काई डाइविंग करके आएगा वो ये चैलेंज जीतने वाला है और जो नहीं पहुंच पाएगा उसका तो क्या ही कहना वो मर जाएगा तो गाइस सर हम आ चुके अपने आखिरी चैलेंज पर गाइस सर मैंने कभी पैराशूट नहीं चलाया नहीं कभी मैंने मैं हमेशा अपने हथौड़े से उड़ता हूँ पैराशूट से नहीं तो गाइस सर हम तीनों में से किसी ने भी कभी स्का ड्राइविंग नहीं करी है और आज हमको स्का ड्राइविंग करनी पड़ेगी अगर हमें वो खतरनाक सा मेंशन जीतना है और वो खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ जीतनी है और वो हेलीकॉप्टर तो बस मुझे अपने मन में यही रखना है गाड़िया हेलीकॉप्टर बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल यही सब याद रख के हम बैठने वाले अपने प्लेन के अंदर और जाने वाले स्काई डाइविंग करने मेंशन तो, तो, तो मैं ही जीत के रहूँगी तो मैं क्या यहाँ पे पकौड़े ही जीतूंगा चलाओ इस प्लेन को तो गाय तीनों जने बैठ चुके हैं सबसे पहले जाने वाला है, थौर, इसके साथ क्या होता है। तो अभी थौर यहाँ पर निकल चुका है गाड़ी पे अपनी खतरनाक से प्लेन पे और ये प्लेन सबसे पहले बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाला है फिर वहां से थौर को जम्प करना होगा देखते हैं क्या होने वाला है थौर बिल्कुल तैयार है कूदने के लिए तो गायजर अभी आप देख सकते हो लॉस सेंटोस कितना छोटा हो गया इतना ज्यादा ऊपर हाइट पे आ गए नीचे बादल दिखने लग गए और थौर अभी कूदने वाला है थ्री टू two... वन और गाइस और अभी आप देख सकते हो चुका है प्लेन से और ये से कर पाएगा या फिर ये जाएगा, क्या होने वाला है इसके साथ मुझे देख रहा है चलो और देखते हैं क्या होने वाला है और धीरे धीरे बादल भी जाने लग गए और लॉस सेंटोस की जमीन बहुत ही ज्यादा क्लोज आने लग गई है अब लॉस सेंटोस वापिस से कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है और आप देख सकते हो थॉर यहाँ पर नीचे पहुंचने वाला है अरे पैराशूट कॉल पैराशूट कॉल और ये थॉर ने पैराशूट खोल दिया और ये क्या पैराशूट कट गया और थॉर नीचे गिर गया ये क्या ये पैराशूट कैसे कट गया

बताओ पर कोई बात नहीं अब इसका प्लेन जाने वाला है फुल स्पीड में हवा में हवा फिर देखते हमारी वांडा क्या करने वाली तो बादलों के, उपर, सेंटोस के उपर, बहुत हाइट में। और अभी थोड़ी देर में वाली होगी मुझे बहुत डर लग रहा है हम तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर मुझे बहुत डर लग रहा है आपको कूदना तो पड़ेगा और

कमर गई मेरी कमर तोड़ दी

दो तो और वाले बड़ा बढ़ से पेराशूट खोल लेते हैं और कह सर यहाँ पर मैंने अपना पैराशूट खोल लिया है और आप देख सकते हो लॉस सेंटोस के ऊपर उड़ते, उड़ते ऐसी लैंडिंग मैं करने वाला हूँ अभी देखो भाई कैसे आराम से मैं लहराते लहराते जा रहा हूँ तो आप लो कि हमने ये चैलेंज जीत लिया है क्योंकि अब तो मैं आराम से ही लूंगा

ऑफिस जॉब बैठ के काम वाम कर सकते हैं वैसे काम तो मैं कुछ करता नहीं टाइम पास कर लेंगे और ये हमारा मजा किचन कितना ज्यादा बड़ा है अब देखते हैं नीचे क्या हमें मिलने वाला है और पे हमारी सीक्रेट तिजोरी जिसका पासवर्ड है कुछ नहीं हम डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं पे कितना सारा पैसा पड़ा है और ये गन्स भी बहुत ही खतरनाक लग रही है चलो देखते हैं और क्या क्या है इधर ये हमारा एक और पार्टी करने का एरिया यहाँ पे कितनी सारी बोतलें पड़ी जो कि हमारे कुछ भी काम की नहीं है और अपना प्राइवेट थियेटर या वे कोई सी भी पिक्चर हम देख सकते हैं कोई यूट्यूब देख सकते हैं आप सबकी फेवरेट यूट्यूब वीडियो कौन सी है फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना आप अपनी फेवरेट फेवरेट बताओ फिर मैं अपनी बताऊंगा और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता था ना रुको रुको ऊपर चलते देखते ऊपर हमें क्या क्या मिलने वाला है नीचे का एरिया तो बहुत ही खतरनाकता यहाँ पे घुसते ही बहुत ही बड़ा बेडरूम विद बहुत ही बड़ी टीवी और देखते हैं इधर हमें क्या मिलने वाला कितना बसा बाथरूम है यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ा

बहुत ही खतरनाक है उससे भी खतरनाक है ये घर तो कहे सर हम ये मेंशन जीत चुके तो आज की वीडियो से मिलता है अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना पता नहीं कि वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो तो। और कहे सर इस नाम डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में वापस ज्वाइन फॉलो कर लेना और कहे सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय